नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, आज हम आपको बूंदी जिले में स्थित भीमलत के झरनों पर लेकर चल रहे हैं। मानसून के दौरान यहाँ की छटा ही निराली रहती है, तो आइए चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान भीम ने अपनी लात से इस कुंड का निर्माण किया था, इसीलिए इसे भीमलत के नाम से जाना जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि 8वीं शताब्दी में आए भूकंप से इस जगह का निर्माण हुआ है। परंतु दोस्तों, सत्य कुछ भी हो, लेकिन यह स्थान वाकई आनंददायी है और बूंदी जिले का प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। बूंदी से 35 किलोमीटर की दूरी पर खीनिया गांव के पास बिजोलिया मार्ग पर स्थित है। ऊंचाई से खाई में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, जहां भीमलत महादेव मंदिर स्थित है। पर्यटक यहां दाल बाटी चूरमा का आनंद लेते हैं। मंदिर के आसपास बंदरों का झुंड रहता है और अधिक ऊंचाई पर जाने पर झरने का कुंड है, जहां पर्यटक नहाते रहते हैं और आनंद लेते हैं। हालांकि राजस्थान की इस मरुभूमि में इस झरने की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है, परंतु राजस्थान में भी इस तरह के झरने उपलब्ध हैं। 60 मीटर ऊंचा यह झरना मानसून काल में सबसे सुंदर लगता है, इसीलिए मानसून काल में यहां जाना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों, आप भी मानसून काल में इस जगह आने का प्लान कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, नीचे जाने वाली सीढ़ियां फिसलन भरी हो जाती है, इसलिए जब आप यहां आए तो अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। झरने में नहाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पत्थरों पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो सकती है। आसपास ही यहां दाल के पकोड़े, पीने के लिए सोडा, पोए आदि की थड़ियां भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी, जहां आप लुत्फ उठा सकते हैं। इस झरने में चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी आता है, जो नदी नालों से बहता हुआ इस झरने के रूप में नीचे कुंड में गिरता है। तो दोस्तों, आपको भीमलत का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक मुझे दें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, जानकारी जुटाता रहूं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अलविदा, बाय बाय।